राम मंदिर बन रहा है, चलिए मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा, वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने राम मंदिर पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से पथराव करा देंगे। पथराव के बाद जो हश्र हुआ मध्य प्रदेश में, वो सबने देखा। वो एक मैसेज दे रहे हैं हिंदू समाज को कि देखो हम ये कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही है और फिर बिगाड़ने वाले भी यही है। इनकी सियासत समझो भाइयों, आखिर ये सियासत कब तक? हिंदू मुसलमान करने से रोजी रोटी नहीं मिला करती। ये सरकार ऐसे 3 बिल लेकर आई है जिसने देश की दूसरी बड़ी आबादी की दिल आजारी की है। दरअसल सपा सांसद आज अपने आवास परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। सिर्फ इनके पास एक बड़ा अच्छा हथियार है भाइयों, मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का, आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बहके इनको वोट दे देते। यही बात, राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद दिखे हुए मुसलमानों से इनसे पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा, वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही। इस सियासत को समझो भाई, आखिर ये सियासत कब तक? हिंदू मुसलमान करने से सही कहा अभी आप लोगों ने कि रोजी रोजी नहीं मिला सकती, ये सब गायब हो जाती है। इन्होंने इस सरकार ने एक साल के अंदर 3 कानून ऐसे लेके आए जिससे इस देश की दूसरी बड़ी आबादी की दिलासारी हुई। धारा 370 हटाई गई लेकिन धारा 371 नहीं हटाई गई, क्यों? आखिर 3 तलाक का कानून आया, शरीयत